Hello everyone, I am Shubhabroto. Welcome to our YouTube channel, Avishan Institute, a vision for government jobs. जैसे कि आप सबको पता है कि recently IBPS PO का notification निकला है और October में exam होने वाला है, prelim का जो exam होने वाला है वो October में होने वाला है. तो आज का जो session है, ये quants का session, ये IBPS PO के ऊपर base करके ही होगा. आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ये देखेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर के आईबीपीएस पीओ में या फिर बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस करेंगे. तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं. तो चलिए पहले ही देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है. देखिए बैंक पीओ में या फिर बैंक के जो क्लर्क का एग्जाम होता है, क्वेश्चन कैसा आता है, दो इक्वेशन दिया रहता है ऐसा, एक एक्स का एक वाई का, और आपको एक्स और वाई का रिलेशन पूछता है. ऑप्शन में क्या क्या रहता है, एक्स लेस ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू वाई. ये पांचों ऑप्शन दिया रहता है. आपको क्या करना होता है, पहले इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है, और फिर जाके देखना होता है कि क्या रिलेशन बन रहा है एक्स और वाई के बीच. तो चलिए हमको ये देखना है कि हम इक्वेशन को कैसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए एक तो होता है आप इस इक्वेशन को मिडिल टर्म करके पूरा सॉल्व करें, लेकिन उस तरीके से अगर आप करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा. तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ बेसिक रूल है, उस रूल को फॉलो करके ही इसको सॉल्व करना है. जैसे कि देखिए पहले क्या देखना होता है, पहले देखना होता है कि साइन क्या है. इक्वेशन में देखिए दो साइन होता है, एक तो ये साइन और एक ये, दो जगह पे साइन होता है. तो देखिए क्या होता है, चार केस हो सकता है. एक तो दो साइन ही पॉजिटिव हो सकता है, और एक केस हो सकता है कि पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, एक हो सकता है पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और एक केस हो सकता है दो साइन ही नेगेटिव बन सकता है. तो ऐसे केस में क्या होता है, एक बात याद रखना, इक्वेशन का जो रूट्स होता है ना, एक केस याद रखना कि क्या होता है कि इक्वेशन का जो रूट्स होता है, जब दो साइन ही पॉजिटिव होता है तो जो रूट्स होता है दोनों रूट ही नेगेटिव आता है. जब प्लस माइनस होता है, माइनस पहले होता है और प्लस बाद में होता है, तब जो रूट्स आता है दोनों रूट ही पॉजिटिव रूट्स आते हैं. जब पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव होता है तब एक रूट पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है, और जब दो साइन माइनस होता है तब भी एक पॉजिटिव रूट आता है एक नेगेटिव रूट आता है. लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना पड़ता है कि इन सब केस में एक रूट बड़ा होता है एक रूट छोटा होता है, वो कौन सा होता है. देखिए जब दो माइनस आता है तब क्या होता है, जो स्मॉलर रूट है वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव जो रूट है वो स्मॉलर होता है, और पॉजिटिव रूट बिगर वाला जो रूट होता है वो पॉजिटिव वैल्यू लेता है. और जब पहले प्लस और बाद में माइनस होता है उस केस में क्या होता है, जो बिगर रूट है वो नेगेटिव वैल्यू लेगा और जो स्मॉलर रूट है वो पॉजिटिव वैल्यू लेगा. ये सिंपल सा बात याद रख के फिर हमें इसको सॉल्व करना है. हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हम फिर आगे देखेंगे. तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले इक्वेशन क्या है, 11x प्लस 64 बाई एक्स इक्वल टू 54. यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 11x स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 54x, या फिर 11x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 64 इक्वल टू 0. तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे केस हो गया क्या, माइनस और प्लस. हाँ एक चीज़ वहाँ पे बताना भूल गया कि चारों कंडीशन होता है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक होता है पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव. ये दो केस जब होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, जो मल्टीप्लाई होता है ना बीच का वैल्यू जो होता है इसको ऐड करके लाना पड़ता है, मतलब दो वैल्यू को ऐड करके लाना पड़ता है ये बीच का वैल्यू, जब ये दो केस होता है दोनों पॉजिटिव या फिर पहले का नेगेटिव और फिर पॉजिटिव. और अलग और जो दो केस है जहाँ पे पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आ रहा है और दो नेगेटिव आ रहा है, इन दो केस में जो बीच का वैल्यू होता है वो हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना पड़ता है. अगर आप इस केस में सब्ट्रैक्ट करके लाना चाहेंगे तो आपका वैल्यू गलत निकलेगा, और अगर आप इस केस में ऐड करके लाना चाहेंगे तो भी आपका वैल्यू गलत निकलेगा. तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना. तो अभी हम क्या करेंगे, 11x स्क्वायर 54x प्लस 64 आ गया है. देखिए पहले माइनस साइन है फिर पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि इसका दोनों रूट पॉजिटिव होगा. तो अभी हम रूट को निकालेंगे कैसे, देखिए क्या हो रहा है, 11 इंटू 64 हमें इसको ऐसे तोड़ना है दोनों पार्ट में कि दोनों को ऐड करके 54 माइनस 54 एक्स आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 64 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लाना है. तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसको हमें सिर्फ इसके सिंपल प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है.
11 इंटू हम क्या कर सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, या फिर हम क्या कर सकते हैं 11 इंटू 1 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ के देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 22, और 4 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे तो आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 32। तो देखिए 32 और 22 को अगर हम ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो अभी हम रूट कहां से निकालेंगे, देखिए दो वैल्यू हमें मिल गया 22 और 32। अभी क्या करना है, हमें देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 11 कोएफिशिएंट है। हमें सिंपली इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, फिर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड करना है। तो क्या मिल गया, दो वैल्यू एक्स का, एक मिला 2 और एक मिला 32, वाई 11 ही रहने देते इसको, और जो कि पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव साइन था, तो ये दो रूट पॉजिटिव ही बन रहा है। अभी चलिए y का जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 12y स्क्वायर और 17, मतलब क्या करना है हमें, 12 इंटू 17 लाना है, और क्या है दो पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस प्लस ये वाला केस है, मतलब क्या करना है यहाँ पे भी ऐड करके 40 लाना है, ऐड करके 40 लाना है। तो 12 इंटू 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 17। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 17 इंटू 2 34 और 3 इंटू 2 6, सॉरी 34। तो 34 और 6 को ऐड करने से देखिए 40 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो वैल्यू हमको मिला क्या, 34 और 6। अभी हमको क्या करना है, 12 से इसको डिवाइड करना है इन दो वैल्यू को, तो बाई 12 बाई 12 कितना आ रहा है, 17 बाई 6 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है 1 बाई 2। अभी देखिए प्लस प्लस के केस में क्या होता है, प्लस प्लस में केस में दोनों रूट ही नेगेटिव होता है, तो ये माइनस 17 बाई 6 बन जाएगा और ये माइनस 1 बाई 2 बन जाएगा। तो देखिए अभी क्या हुआ, x का दो वैल्यू हमें क्या मिला, 32 बाई 11, और y का दो वैल्यू क्या मिला, माइनस 17 बाई 6 और माइनस 1 बाई 2। तो अभी हमें x और y के बीच का रिलेशन निकालना है। रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, क्या करना है, हम x के एक वैल्यू को लेंगे, लेके y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि ये y के दोनों वैल्यू से छोटा है कि बड़ा है। x का पहला वैल्यू क्या है, 2। देखिए 2 ऑब्वियसली माइनस 17 बाई 6 से बड़ा होगा और माइनस 1 बाई 2 से भी बड़ा होगा। तो अब इस सेकेंड वैल्यू को देखिए, यह क्या है, 32 बाई 11, ये भी ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये दो नेगेटिव वैल्यू है, मतलब x का ये वैल्यू भी इन दोनों वैल्यू से बड़ा होगा। मतलब हमें ये मिल रहा है कि x का दो वैल्यू ही y के दो वैल्यू से बड़ा है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या एस्टेब्लिश हो गया, x ग्रेटर देन y, ये हो गया आपका आंसर। चलिए देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि 84x स्क्वायर प्लस 115x प्लस 26 इक्वल्स टू 0 एंड 27y स्क्वायर प्लस 36y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, इन दो इक्वेशन से x और y के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहले देखिए क्या है, 84x स्क्वायर प्लस 115x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 84 और 26 को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में तोड़ लेना है। तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13। तो देखिए यहाँ से हम ये क्या कर सकते हैं कि 13 इंटू 7 हो रहा है 91 और 2 इंटू 2 इंटू 7 इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा कितना, 24। देखिए प्लस प्लस का केस है, मतलब दोनों को ऐड करके लाना पड़ेगा, तो दो रूट क्या होगा, दो वैल्यू क्या आएगा, 91 और 24। 91 और 24 को अगर हम ऐड करेंगे तो 115 आ रहा है। तो अभी तो रूट क्या होगा, 91 बाई 84 और होगा 24 बाई 84। तो 91 बाई 84 को अगर हम काटेंगे तो क्या होगा, 13 बाई 12 और ये हो जाएगा 2 बाई 7। अभी देखिए प्लस प्लस का केस है, मतलब दोनों रूट ही नेगेटिव आएगा। ये आ गया x का वैल्यू। अभी चलिए देखते हैं y का वैल्यू क्या आएगा। 27 इंटू 15, 27 इंटू 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का केस है, पहले प्लस है फिर माइनस है, मतलब यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला 36 लाना है। तो हम ये कर सकते हैं कि 3 5 ज़ा 15 एंड देन 45 और यहाँ से 3 3 ज़ा 9, तो 45 माइनस 9 कर सकते हैं, मतलब 45 और 9 मिल रहा है।
तो वैल्यू क्या होगा 45 बाई 27 और 9 बाई 27 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई 3, ये हो जाएगा 1 बाई 3। तो अभी क्या होगा, देखिए क्या होता है जब प्लस और माइनस का केस होता है तब क्या होता है, एक वैल्यू पॉजिटिव आता है और एक वैल्यू नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो बड़ा वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, प्लस और माइनस के केस में जो बड़ा वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है और माइनस माइनस के केस में जो छोटा वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 5 बाई 3 नेगेटिव होगा और ये वाला रूट प्लस होगा। तो y का वैल्यू आ गया माइनस 5 बाई 3 और 1 बाई 3 और x का वैल्यू आ गया 13 बाई 12 माइनस 13 बाई 12 एंड माइनस 2 बाई 7। तो अभी इसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, देखिए माइनस 13 बाई 12 ये माइनस 5 बाई 3 से बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली बड़ा है क्योंकि 13 बाई 12 का वैल्यू 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा और 5 बाई 3 का वैल्यू उससे और थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। फिर देखिए माइनस 13 बाई 12 और 1 बाई 3 ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वैल्यू ऑब्वियसली छोटा होगा। तो एग्जैक्ट कोई रिलेशन अभी नहीं मिला, x का एक वैल्यू इससे बड़ा हुआ, x वैल्यू छोटा, एक वैल्यू छोटा हुआ। तो देखिए 2 बाई माइनस 2 बाई 7 माइनस 2 बाई 7 क्या है, इससे बड़ा है कि छोटा है, माइनस 2 बाई 7 ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा क्योंकि माइनस में जब होता है तो ये वाला वैल्यू बड़ा होता है सामने जब माइनस साइन आता है, और माइनस 2 बाई 7 इससे क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब हम x के वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो x का वैल्यू एक वैल्यू से बड़ा हो रहा है एक वैल्यू से छोटा हो रहा है दोनों केसेस में। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब x और y के बीच कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। देखिए पूरा बेसिक कैसे हम सॉल्व करेंगे ये मैंने पहले दो क्वेश्चन में समझा दिया, अभी हम देखेंगे कि इस प्रोसेस को अप्लाई करके हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि जितना कम टाइम लगेगा एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 24x² प्लस 25x माइनस 11, तो यहाँ पे क्या होगा 24 × 11 इसका वैल्यू लाना है और बीच में क्या करना है, बीच में सब्ट्रैक्ट करके 25 लाना है क्योंकि प्लस और माइनस का केस है। तो सब्ट्रैक्ट करके हम कैसे ला सकते हैं, 33 और 8। फिर देखिए क्या करना है, 24 से डिवाइड करना है दोनों को, कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा 11/8 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का केस है, जो बड़ा वैल्यू है वो माइनस होगा और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इक्वेशन ये आ गया x का दो वैल्यू, तो y का दो वैल्यू क्या होगा, देखिए प्लस प्लस का केस है मतलब 36 लाना है हमको ऐड करके, तो 45 × 7 ये लाना है, ये हम कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम 15 और 21 को ऐड करके 36 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 45 × 7 हो जाएगा। तो फिर क्या करना है, 45 से इसको डिवाइड कर देना है, ये क्या बन जाएगा 1/3 और ये कितना बन जाएगा 7/15। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस का केस है मतलब दोनों रूट ही यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये आ गया वाई का वैल्यू। तो अभी क्या करना है, अभी कंपेयर करना है, देखिए x का पहला वैल्यू क्या है 11/8 1 - 1/3 से बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, और -11/8 7/15 से भी छोटा है। फिर क्या आ रहा है, +1/3 यहाँ का दोनों वैल्यू ही नेगेटिव है मतलब दोनों से ही बड़ा है। तो क्या हो रहा है, x का एक वैल्यू y के दोनों वैल्यू से बड़ा बन रहा है, x का एक वैल्यू दोनों वैल्यू से छोटा बन रहा है और एक वैल्यू y के दोनों वैल्यू से बड़ा बन रहा है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब कोई भी रिलेशन फाउंड नहीं कर सकते हम। तो चलिए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन क्या है, x² + 9x - 52 12y² + 16y + 4। तो क्या होगा, 52 को 52 लाना है और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके 9 लाना है। तो कैसे हम ला सकते हैं 52 को प्लस माइनस करके 9, कितना होगा, देखिए हम कर सकते हैं 13 और 4, 13 से 4 अगर माइनस करेंगे तो 9 आ रहा है और 13 × 4 करके 52 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, x मतलब 1 है, तो x का यही दो वैल्यू बन जाएगा और प्लस माइनस का केस है मतलब ये बड़ा वाला वैल्यू माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 12y² + 16y + 4 यहाँ पे प्लस प्लस का केस है मतलब जो 16 है उसको हमें प्लस ऐड करके लाना पड़ेगा और 12 × 4 = 48 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 12 और 4 को ऐड करने से 16 आएगा और मल्टीप्लाई करने से 48 आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे और 4 को भी 12 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगा, 1 और 1/3, प्लस प्लस का केस है मतलब दोनों रूट ही नेगेटिव बनेगा। तो अभी इसको कंपेयर करने है, देखिए -13 -1 से छोटा है
और माइनस 13 माइनस 1/3 से भी छोटा है, लेकिन नेक्स्ट वैल्यू क्या है, प्लस 4, प्लस 4 इन दोनों वैल्यू से बड़ा है। तो यहाँ पे x का एक वैल्यू फिर से दोनों वैल्यू से छोटा बन रहा है और x वैल्यू एक वैल्यू दोनों वैल्यू से ही बड़ा बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब यहाँ भी कोई रिलेशन फाउंड नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो इक्वेशन क्या दिया है, 20x² - 71x + 63 और 10y² - 43y + 45। तो यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशन में ही माइनस और प्लस है, मतलब जो रूट है वो दोनों ही पॉजिटिव रूट आएगा और बीच का जो वैल्यू है 71 ये हमें ऐड करके लाना है। तो 20 × 63 इसको ये मल्टीप्लिकेशन भी लाना है और बीच का जो वैल्यू है वो ऐड करके भी लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, x का 35 और 36, ये दो वैल्यू आएगा x का। तो फिर क्या करेंगे, x का जो x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/4 और ये आ जाएगा 9/5। एक्स का ये तो वैल्यू आ गया और माइनस प्लस का केस है, मतलब दोनों रूट ही पॉजिटिव आएगा। तो ठीक है, अभी वाई स्क्वायर का जो इक्वेशन है ये क्या कर सकते हैं, हम वाई का दो वैल्यू क्या ला सकते हैं, 10 × 45 लाना है और ऐड करके 43 भी लाना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 25 और 18। फिर क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे दोनों को, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा 9/5। अभी क्या करना है, वैल्यू कंपेयर करना है। एक्स का वैल्यू है 7/4, 7/4 5/2 से बड़ा है कि छोटा है, 7/4 5/2 से छोटा है, क्योंकि 7/4 करेंगे तो 2 से थोड़ा कम आएगा और 5/2 ये 2 से बड़ा है, और 7/4 9/5 से छोटा है कि बड़ा है ये थोड़ा करके देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, दो फ्रैक्शन में 9/5 और 7/4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू ऊपर लिखेंगे, 5 7 = 35 और 9 4 = 36। तो जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है, मतलब 7/4 9/5 से छोटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x का पहला जो वैल्यू है y के दोनों वैल्यू से छोटा निकला। अभी x का नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, क्या है, 9/5, 9/5 5/2 से छोटा है कि बड़ा है, 9/5 5/2 से छोटा है और यहाँ पे दोनों वैल्यू 9/5 है, मतलब यहाँ पे अभी इक्वेशन जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है, x इज नॉट लेस देन इक्वल टू y। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस √169 = 0 एंड y² - 169 = 0। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है तो यहाँ से भी x और y का रिलेशन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए x का वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, √169, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 13। √169 से x का वैल्यू आ गया 13। अभी y² इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, 169। तो यहाँ से y का वैल्यू भी आ जाएगा 13। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू है ±13 और यहाँ पे भी y का वैल्यू है ±13। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू y। तो चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, 3x + 4y = 1681 to the power half। ये वाला जो क्वेश्चन है, x और y मिला के एक इक्वेशन फॉर्म किया है दो इक्वेशन में ही, और यहाँ से x और y का रिलेशन निकालने के लिए बोला है। ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए ये वैल्यू देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। 3x + 4y = हम क्या लिख सकते हैं, √1681। तो 1681 किसका रूट है, 1681 है 41 का रूट, 1681 का रूट है 41। और नेक्स्ट इक्वेशन ने नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोला है, 3x + 2y = √961। तो 961 का रूट क्या होगा, 961 का रूट होगा 31। तो देखिए यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको अगर इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x कट जाएगा, 2y = क्या आ रहा है, 10। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5। y का वैल्यू 5 आ गया, अभी हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, 3x + 4 × 5 = 41। तो यहाँ से क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, 21/3 क्या आ रहा है, 7। तो देखिए x का वैल्यू आ रहा है 7 और y का वैल्यू आ रहा है 5। तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि x y से बड़ा है, तो रिलेशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 289 to the power half x माइनस √324 = 203। और एक इक्वेशन क्या बोला है, यहाँ पे y होगा, 484 to the power half y माइनस 225 = 183। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 289 to the power half मतलब क्या होता है कि √289 का वैल्यू क्या होता है, 17। तो हम लिख सकते हैं 17x
माइनस और 324 का रूट होता है 18, 17x माइनस 18 इक्वल टू 203, और ये वाला इक्वेशन क्या होगा कि 22y माइनस 15 इक्वल टू 183। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 203 प्लस 18 बाई 17, 221 बाई 17 इक्वल टू क्या हो रहा है 13, और यहाँ से 22y माइनस 15 183, इसका इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल टू 183 प्लस 15 बाई 22, 198 बाई 22 इक्वल टू क्या हो रहा है 9। तो देखिए x का वैल्यू आ रहा है 13 और y का वैल्यू आ रहा है 9, तो यहाँ से भी रिलेशन क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 और 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। तो यहाँ जो छोटा छोटा वैल्यू है, ये क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, माइनस माइनस है मतलब सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है, तो हम लिख सकते हैं 7 और 2। x का वैल्यू फिर क्या करना है, 7 बाई 2 और 2 बाई 2 क्या आ जाएगा, 7 बाई 2 और 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस है मतलब जो बड़ा वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा और छोटा वैल्यू नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। फिर y का वैल्यू क्या करना है, 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1। तो प्लस माइनस का केस है मतलब यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करके लाना है, तो 3 और 2 लिख सकते हैं हम, फिर डिवाइडेड बाई 6 तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 बाई 3। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है वो नेगेटिव होगा मतलब 1 बाई 2 नेगेटिव बनेगा और प्लस 1 बाई 3 पॉजिटिव बनेगा। तो अभी कंपेयर करके देखा जाए कि क्या हो रहा है, x का वैल्यू क्या है प्लस 7 बाई 2, प्लस 7 बाई 2 माइनस हाफ से तो बड़ा होगा ही, प्लस 1 बाई 3 से भी बड़ा है, लेकिन माइनस 1 माइनस 1 इससे भी छोटा है और इससे तो छोटा ही है क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो फिर रिलेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है x इज नॉट इक्वल टू y, मतलब कोई भी रिलेशन फाउंड नहीं हो रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 63 एंड 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21। तो यहाँ से क्या है, दोनों ही प्लस प्लस का इक्वेशन है, मतलब क्या है ये जो बीच का 23 और 19 है ये दोनों को ही हमें प्लस करके फिर से प्लस करके लाना है। तो हम x के टाइम में क्या लिख सकते हैं कि 14 और 9 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, मतलब वैल्यू क्या आएगा 7 और 9 बाई 2। प्लस प्लस का केस है मतलब दोनों वैल्यू ही नेगेटिव होगा। फिर y का वैल्यू क्या आएगा, 4y स्क्वायर 19y प्लस 21। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 और 7 ऐड करने से 19 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 3 और 7 बाई 4। ये भी प्लस प्लस का केस है मतलब दोनों रूट ही नेगेटिव होगा। अब कंपेयर करेंगे, देखिए माइनस 7 माइनस 3 से छोटा, माइनस 7 माइनस 3 से छोटा है, माइनस 7 माइनस 7 बाई 4 से भी छोटा है, और 9 बाई 2, 9 बाई 2 का मतलब कितना होता है 4 से थोड़ा ज़्यादा, तो 9 बाई 2 भी इससे छोटा है और 9 बाई 2 इससे भी छोटा है, मतलब यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, x इज लेस देन y। तो आज का जो सेशन था वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज के सेशन पे हमने जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया सारे बैंक के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लेना, क्योंकि अभी IBPS PO से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल में आने वाला है, तो उस सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।